आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दो दिवंगत एक्ट्रेस रेखा और जया बच्चन के बारे में अब तक हमने सिर्फ उनके तल्ख किस्सों के बारे में ही पढ़ा है और सुना है। आपको बता दें कि रेखा को एक तरफ अमिताभ बच्चन का प्यार कहा जाता है तो वहीं जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी है। आपको बता दें कि जया बच्चन और रेखा को लेकर हमने सिर्फ तल्ख किस्से और कहानियों के बारे में ही अब तक पढ़ा है कि कभी जया बच्चन ने रेखा को गुस्से में घर से निकाल दिया तो कभी उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाकर कुछ ऐसी बातें कही जो शायद ही रेखा को पसंद आई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया बच्चन और रेखा एक समय ऐसा था जब वो दोनों एक ही छत के नीचे रहा करती थी। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद रेखा ने इस एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। दरअसल रेखा ने बताया था कि वो दोनों एक ही छत के नीचे जया की शादी से पहले साथ में रहा करती थी और इस बात का खुलासा रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो जया बच्चन को दीदी भाई कहकर बुलाया करती थी। आपको बता दें कि दीदी भाई बंगाली में बड़ी बहन होती है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या सच में रेखा और जया एक साथ एक ही छत के नीचे रहा करती थी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने में हुई थी, लेकिन दोनों के बीच करीबी फिल्म सिलसिला से बड़ी थी। रेखा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को इतना पसंद थी कि एक समय बिग बी को जया बच्चन की जगह रेखा के साथ ही लोग देखना पसंद करते थे। यही कारण था कि अमिताभ के बाद बहुत सी फिल्मों में जया से ज़्यादा रेखा नजर आई थी। बता दें कि अमिताभ से मिलने से पहले रेखा जया बच्चन को ही जानती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनली भी जुड़ी थी। कैसे, चलिए बताएं। अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले जया और रेखा एक ही छत के नीचे रहा करती थी। रेखा ने एक टॉक शो में इस बात का खुलासा किया था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले वो उन्हें केवल जया बच्चन के पति के रूप में ही जानती थी, लेकिन दीवार हिट होने के बाद जब वो उनसे मिली तो उन्हें देखती ही रह गई। रेखा ने बताया था कि वो अमिताभ से सीनियर थी, लेकिन बावजूद इसके वो अमिताभ के सामने नर्वस रहती थी। रेखा उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी। रेखा ने बताया था कि वो और जया बच्चन एक ही बिल्डिंग में रहते थे और वो जया बच्चन को दीदी भाई कहती थी। रेखा ने बताया था कि दीदी भाई बंगाली में बड़ी बहन को कहते हैं। यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहली जिंदगानी में भी इस बात का जिक्र है कि जया बच्चन की जब शादी नहीं हुई थी और रेखा भी मुंबई में नहीं थी, तब दोनों ही एक साथ एक ही फ्लैट में रहा करती थी। जया बच्चन के लिए रेखा ने कहा था कि दीदी भाई बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, उनमें बहुत गरिमा है और उनका एक क्लास है, उनके पास बहुत ताकत है। रेखा ने कहा था कि वो जया की प्रशंसक रही हैं। रेखा ने अमिताभ संग अपने अफेयर पर कहा था कि तथाकथित अफवाहों से पहले जया बच्चन के साथ उनका जुड़ाव था, मीडिया ने पूरी छवि गड़बड़ कर दी, हम एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे और हमारा अच्छा रिश्ता था, वो मेरी दीदी भाई थी, वो अभी भी हैं, इस रिश्ते को कोई दूर नहीं कर सकता। रेखा ने कहा था कि भगवान का शुक्र है कि जया बच्चन भी ये महसूस करती हैं, जब भी हम मिलते हैं वो बहुत अच्छे से मिलती हैं। मैं आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा के लिंकअप की खबरों से नाराज होकर जया बच्चन ने रेखा को बहुत अजीब बात कह दी थी। अमिताभ बच्चन और रेखा के मोहब्बत की तासीर कैसी रही होगी कि आज भी इस जोड़ी के अफेयर की खबरों के बारे में उनके फैंस जानने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन खबरों का असर अमिताभ बच्चन के परिवार पर कैसा रहा होगा, खासकर जया बच्चन इस अफेयर की खबरों को लेकर कैसे रिएक्ट करती होंगी? नहीं तो चलिए आपको आज जया बच्चन की उस इंटरव्यू के बारे में बताएं जिसमें उन्होंने खुलकर अमिताभ और रेखा के लिंकअप की बात की थी। अमिताभ बच्चन और रेखा के लिंकअप की खबरें 70 और 80 के दशक में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा करती थी, हालांकि अभी ये अफेयर बातों में जिंदा है। रेखा अधिकतर ही अपने प्यार का इजहार या अपने दिल की छुपे दर्द को सार्वजनिक रूप से बोलती है, इससे इस अफेयर की तासीर आज भी महसूस होती है। एक टॉक शो में आई जया बच्चन ने एक बार अमिताभ और रेखा के अफेयर पर खुलकर बात की थी। जया ने कहा था कि ये बहुत ही घटिया है, ये काफ़ी अफसोस की बात है अगर वो अपने पति अमिताभ से सवाल पूछें। जया ने कहा कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और ऐसी खबरें मीडिया में आने पर वो सहज नहीं होते। जया बच्चन ने यह खुलकर स्वीकार किया था कि ऐसी खबरों से वो थोड़ा परेशान हो जाती थी। बता दें कि यासिर उस्मान की किताब में भी रेखा ने कहा था कि उनकी और अमिताभ की केमिस्ट्री को देखकर जया घबरा गई थी। जब अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच रोमांटिक सीन होते थे तो जया बच्चन की आंखों से आंसू निकलते थे। वहीं खबर तो ये भी है कि रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलाने के लिए हेमा मालिनी ने खूब परेशानी उठाई थी और उन्होंने एक बड़े राजनेता से भी इसकी गुहार लगा दी थी।
हेमा मालिनी और उनकी पत्नी यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की अच्छी दोस्त हैं। कई मौकों पर हेमा जया बच्चन के साथ गर्मजोशी से मिलती नजर आती है। दोनों पड़ोसी भी हैं। हालांकि एक बार हेमा मालिनी ने ही अपने दोस्त के पति अमिताभ को रेखा से मिलवाने के लिए एक राजनेता से गुहार लगाई थी। हेमा मालिनी और रेखा भी काफी अच्छी दोस्त रही हैं। दोनों के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है। हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र के साथ भी रेखा के बहुत अच्छे संबंध हैं। रेखा ने धर्मेंद्र के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। हेमा मालिनी और रेखा इतनी अच्छी दोस्त थी कि रेखा ने अपने पति मुकेश अग्रवाल के बारे में सबसे पहले हेमा को ही बताया था। रेखा हेमा मालिनी से अपनी हर छोटी बड़ी खुशी शेयर करती थी। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा कैसी पहली जिंदगानी में लिखा है कि एक बार हेमा मालिनी ने रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलवाने के लिए एक बड़े राजनेता से बात की थी। किताब में दावा किया गया है कि हेमा मालिनी ने दिवंगत अमर सिंह से अमिताभ और रेखा का पैचअप कराने के लिए कहा था। कॉल यासिर उस्मान, हेमा ने अमर सिंह से कहा था कि अमिताभ को तो तुम भाई मानते हो, उससे रेखा के लिए बात क्यों नहीं करते। इस पर अमर सिंह ने हेमा मालिनी को भी किसी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो लोगों की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते। कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।